वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग एंड यू वॉचिंग गौतम उल्लास ब्रो। सो गाइज, आज मैं जा रहा हूँ, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं आपको लोकल मार्केट दिखा रहा हूँ। आज मम्मी भी मेरे साथ है। सो आज हम जाने वाले हैं, यहाँ के लोकल मार्केट एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊंगा क्या है मिलता है हमारे लोकल मार्केट में और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती है वीकली मार्केट में। तो चलिए गाइज, को तो गाइज ये है यहाँ का एंट्रेंस, बहुत सारे एंट्रेंस है, ये इसे वन ऑफ देम। और इस तरफ आपको कुछ मछली पकड़ने के सामान मिल जाएंगे, यहाँ पर वायर वायर ये सब है। यहाँ पर आपको कुछ मिल जाएगा, कुछ प्लांट्स लगाने के सामान और ये सब पेड़ फेड़ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सीड्स है, सबसे पहले ना वेजिटेबल्स खरीद लेते हैं, फिर वेजिटेबल्स खरीद के आपको पूरा मार्केट घुमाता हूँ मैं। हाँ जल्दी चले, तो मम्मी यहाँ पर वेजिटेबल खरीद ली, मेरे संतोष मामू हैं, इनके पास से हम सब वेजिटेबल्स खरीदते हैं। गाइस हमने अभी वेजिटेबल्स खरीद लिया और अभी हम जाके अभी दूसरा पार्ट अभी दिखाऊंगा हाटों का, जो जिसको हम लोकल मार्केट बोलते हैं। तो मम्मी बहुत मज़ा आ रहा है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलिए, सामान भी हम दिखा रहे हैं आप लोग को। सो है ना, हम तो यहाँ डेली आते, लास्ट 16 साल से हम इधर ही आए, बट आप लोगों को भी देखे नहीं थे, तो आप लोगों को सही पूजा का सामान मिल जाएगा। यहाँ पर घी, तेल, यहाँ पर और ये क्या है मैम, झूणा, इसे झूणा बोलते हैं ये ना, घर पे ना एज ए सेंट अगरबत्ती के जैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर फिर ऐसे लोकल चीज़ें मिल जाएगी, वो फल दिए जितने पूजा पाठ के सामान यहाँ पर सब कुछ मिलेगा इस वाले सेक्शन में। ये लाइन पूरा ही है पूजा का सामान का, यहाँ पर अवेलेबल है। वही फिर यहाँ पर आ जाएगा मम्मी, पीतल का सामान है, शादी भी है, जैसे घर का सामान के लिए पीतल का सामान चाहिए। हाँ, इधर सारा पीतल का सामान मिल जाता है। तो सबका अलग अलग प्राइस रेट भी है मैम। और ये क्या मामा, ये सभी ये पूजा पाठ का वही है ना, वही पूजा पाठ का घंटी जैसे सामान है, औरत के लिए माली है, बच्चे लोग के लिए घुंघरू फूल है। तो यहाँ फिर से पीतल का सामान, ये सब यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, वो प्लेट फ्लेट से लेके ये सभी आरती वाले सामान और ये लोटा फोटे सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। आगे वाला भी सेक्शन, ये बहुत सारे गेट्स है ना, ना सभी डायरेक्शन से ओपन है। तो ना मम्मी, ये वाला ये चावल का मार्केट और बैरेज का चावल मिलता है। तो एक चीज़ बताओ, कौन कौन से चावल मिलता है? तो नाम तो बता नहीं सकती हूँ, लेकिन ये सब चावल का मार्केट है, बैरेज का चावल है। चावल को ये मुगई का राइस चावल है, ये पूजा राइस, ये साल फुल ना, हाँ। सो ना प्राइस कितने, ये बिरयानी, इसका प्राइजेस कितने, ये 40 रुपये, ये 1 किलो को 40 रुपये, ये 35, ये 35 रुपीज, और ये 55, ये 50, ये 35 भी है। और एक ये कितना है बासमती का, ये बिरयानी चावल है ना, ये 80 रुपये किलो। सो अगर कोयला, सो हम चलते चलते अभी इन थर्ड पार्ट में चले हैं मार्केट को। और यहाँ पर मेन लीजिए मार्केट, यहाँ पर सभी बेम्बू से बनाए, ये सभी हैंडक्राफ्ट से बनाते हैं। तो एक बार जाके उसको कवर करते, पूछते क्या क्या चीज़ें हैं। ये सब बांस का टोकरी है, ये बांस का कुली है, और ये सारा चीज ही हमारा घर के काम में आता है, ये सब बांस की बनावट है, बहुत सुंदर है, ये पूरा हैंडमेड है गाइस, सब हैंडमेड है। यहाँ के जो लोकल विलेजर्स है ये सब बनाते हैं चीज़ें। और आप प्राइस कितने में हो सर, सुबह डोला उडर रेट कितने कितने, 400 फिर 400 रुपीज़ का है गाइस। फिर ये दसानोटा का सेट है, वो 220 रुपीज़ का आता है, ये 180 रुपीज़ का गाइस, ये भी 200 रुपीज़ का। सो इसका 200, 300, 400, 500 भीतर एम टाइम राइज उड़ना। सो गाइस क्योंकि ना
क्योंकि बेम्बू का चीज़ है और हैंडमेड है तो ओब्वियसली कॉस्टली तो होगा ही, और इनका बहुत ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा होता है, ऐसे नहीं खराब हो जाता बहुत जल्दी, बहुत लॉन्ग लाइफ तक रहता है ये, लगभग 5 से 6 साल अच्छे से काम निकल ही जाएगा इसका। सो गाइस वर्थफुल ये सब चीज़ें इसको छोड़ के हमें नहीं रख सकते हैं, ये डेली का जरूरी का सामान है। हाँ। ये हमारा घर में हर घर में ये चीज़ मिलना जरूरी है, मिलता भी है। इसको छोड़ के हम काम नहीं कर सकते, ये डेली का काम की जरूरी चीज़ है। अभी ये बांस की बनावटें हैं, तो यहाँ से निकल के फिर हम चलते हो जो मिट्टी वाले सामान के पास चले गए। मिट्टी के जितने सामान है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर पोट फोट जितने भी दीप फेक दीपावली के लिए अभी से यहाँ पर दीप भी मिलना स्टार्ट हो गए, गुल्लक भी यहाँ पे, और मिट्टी मिट्टी की सब चीज़ें यहाँ पर। मासी दाम कितने की है? 55 रुपये है। मटका का दाम 55 रुपये है, ये 20 रुपये, और ये दीप फेक कितने? बहुत सुंदर लगता है दिया का सामान, ये मटका छोटा छोटा मटका है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो साइज के अनुसार इनका प्राइस रेट भी 1 रुपये से लेकर 5 रुपये के अंदर भी है, उससे ज्यादा बड़े वाले भी है ना दिया। हाँ, 10 रुपये वाला, ये 10 रुपये वाला दिया है, ये 10 रुपये नहीं, ये वाला हुआ 10। हाँ, ये 10 रुपये बड़ा वाला भी है, 20 रुपये का। सो अगर आपको यहाँ से कुछ बाय करना है आप इनके पास आके बाय कर सकते हैं। ये कढ़ाई, ये मिट्टी का कढ़ाई आजकल नया आया है, मिट्टी का कढ़ाई, इसमें खाना बनाते हैं तो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। और मिट्टी का कढ़ाई पुराना जमाने से फिर अभी नया जमाने में आ गया। हाँ, ये चीज़ें इसके लिए जब छोटे थे हमारा माँ उसी टाइम ये सब चीज़ में खाना बनाती थी, लेकिन आज हमको 50 साल के बाद ये चीज़ फिर दोबारा वापस आ गया, मिट्टी का बर्तन। हाँ, मिट्टी का बर्तन अभी हर घर में चाहिदा है, मिट्टी का बर्तन से खाना बनाना, मिट्टी का बर्तन को घर में रख के सजावट करना, हर चीज़ के लिए मिट्टी का बर्तन बहुत सुंदर होता है। मम्मी का कहने का मतलब हमको अपना कल्चर कभी भूलना नहीं चाहिए, हम जितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए ओल्ड इज गोल्ड ही होता है, ओल्ड इज गोल्ड। सो गाइज तो बहुत ही अच्छा लगा मम्मी जी आज मेरे साथ, तो बहुत अच्छे से आज जरा ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो चलिए अभी ये देखो मिट्टी का चूल्हा है, इसमें हम लकड़ी डाल के कहीं भी उठा के रख सकते के खाना बना सकते हैं, इजी टू कैरी, हर जगह उसको लेके पिकनिक में लेके खाना बना जा सकते हैं, लकड़ी लेके इसमें कहीं भी रख दो खाना बनाओ, अच्छी चीज बनी है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर है। ये पूरा मार्केट खाली मिट्टी के चीज़ों से। चलिए दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सेक्शन के बाद अभी हम दूसरे सेक्शन में आ गए जहाँ पर मेनली जो हांडिया होते हैं वो हमारा देसी दारू, जो एक ट्रेडिशनल अल्कोहलिक ड्रिंक है, तो यहाँ पे उसका एक प्रॉपर मार्केट भी अगर कोई पीना चाहता है वहाँ पर आके पी के एंजॉय भी कर सकता है, प्लस यहाँ पे उसके इंग्रेडिएंट्स भी मिलते हैं जो जो चीज़ से बना के हम बनावट होता है ना हांडिया का। तो गाइस चलो एक लुक दिखाता हूँ आपको उसको। जड़ी बूटी ये जो हांडिया बनाते हैं उसमें यही जड़ी बूटी मिक्स होता है, उसको बाखरो बोलते हैं, बाखरो बोलते हैं। इसी बाखर को हम चावल के साथ मिलावट करके वो देसी दारू बनाते हैं, जो हम पीने के बाद हमारा शरीर सुस्त होता है, ठंडा रहता है। हाँ, हमारा जो जंडिस वगैरह होता है ये दवाई के रूप में काम देता है। हाँ, यह हमारा देसी मार्केट में ये देसी चीज़ मिलता है, तो ये कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ देसी बाजार में मिलता है। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें? ये गाय खाने के लिए जो धान की निकला हुआ धान को पीसने के बाद जो निकलता है इसको गाय की देते हैं, ये दाना 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 होता है, इसका केजी के हिसाब से ये इसकी नाप है, ये जब हम तोड़ते हैं तराजू में, तराजू नहीं है तो ये इसकी है तोड़ने के लिए, 1 केजी का किलो कितना आता है? 80 रुपये किलो, 80 रुपया, इसी से एक बार लेने से 80 रुपया देना पड़ेगा गाय के खाने के लिए। इसका प्राइस रेट कितना है ये सब का पैकेट में? हाँ, 30 रुपये पकड़े, पकड़ के दाम 30 रुपया है, 10 रुपये, 20 रुपये। हाँ, इसको लेके हम मिला के बनाना पड़ता है जो हांडिया के लिए। सही है, हांडिया राइस बियर, राइस बियर सही है। तो वो वाला जो कंप्लीट जगह देख रही है पूरा हांडिया सेंटर है, और यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा हांडिया सेंटर है, यहाँ पर आप जाके एंजॉय करके पी सकते हैं अगर आपका मन हो तो। और ये दूसरी सेक्शन में आया, ये लोहे का सामान है, जो जमीन में हमको काम करने के टाइम ये लोहे की चीज सब काम में आता जो घर के उधर के सामान घर के काम के जो खेत में काम करने के लिए भी काम आता है। चलिए आपको एक लुक दिखाता हूँ इसको। Thank you.
वहाँ से निकलने के बाद अभी एक दूसरे सेक्शन में आ गए। ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान है, यहाँ पर सीधा सीधा सब कुछ मिलेगा। चलिए आपको एक लुक भी दिखा देता हूँ। ये इतना बड़ा मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारे तरीके चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये भी आपको कवर करना चाहता हूँ। अभी मैं आपको ड्राई फिश मार्केट दिखाता हूँ। मम्मी तो यहाँ पर नहीं आई क्योंकि मम्मी तो वेजिटेरियन है, तो है ना मम्मी को है ना स्मेल होगा, तो मम्मी को इसलिए मैं लाया नहीं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ड्राई फिश मार्केट। ये ड्राई फिश मार्केट है, यहाँ पर बस आपको ड्राई फिश ही मिलेगी, सो करी फरी बनाने के लिए जो फिश लवर है जिसको मजा आएगा तो श्योर आओ यहाँ पर, लिख खरीद के जाओ। कई तरह के फिशेस हैं, प्रॉन्स वॉन्स सब कुछ मिल जाएगा अंदर। ये पूरा मार्केट ड्राई फिश हो गया है, इतना अंदर नहीं आता क्योंकि मुझे भी स्मेल हो रहा है एक्चुअली। इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कीप लविंग, कीप वॉचिंग उत्तम उल्लास ब्रो। तो मिलते हैं विद अ न्यू एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मम्मी फिर से मिलेंगे एक नई एक वीडियो के साथ। बाय बाय। सो बाय बाय गाइज।